गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन इट्स योर बायो क्लासेस एंड एज यू नो योर फर्स्ट चैप्टर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इट्स अट सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ब्रीफली बताया गया था सो आपको समझ में आया हो नो लेट्स आवर क्लास स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल जबकि आपको पिछले पीछे बार भी बताया गया था कि इसके तीन कंपोनेंट्स हैं सेल मेम्रेन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो न्यूक्लियस साइटोप्लाज एंड द फोर्थ वन इज अ एक्सेप्शन व्हिच इज़ ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल दैट इज सेल वॉल ओके टूडेज योर टॉपिक इज न्यूक्लियस न्यूक्लियस कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाएगा क्योंकि ये ऑल द एक्टिविटीज जो भी कंडक्ट होती है सेल के अंदर वो कंटिन्यू करता है इसे ही कंडक्ट कंट्रोल करता है इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन काम करता है कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज लाइक वाइज ये भी करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा डबल लेयर स्ट्रक्चर इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं सी ये जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है और इसके जस्ट साइड वाइज पोर्स प्रेजेंट था गैप जो दिख रहा है मेम्ब्रेन के साइड में दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर ये क्या करता है ये न्यूक्लियर पोर ये अलाउ करता है मटेरियल्स को मतलब आसपास में जो भी सेल वगैरह है जिससे इसकी ज़रूरत है तो वो मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करेगा आस पास जितने मटीरियल्स हैं उसे इसी पोर्स के थ्रू ले जाया अलाउ किया जाता है परमिट किया जाता है ये जो इनसाइड में आप लोग बहुत सारा थ्रेड लाइक -like स्ट्रक्चर देख रहे हो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्रोमेटीन बताया गया है ये क्रोमेटीन एक्चुअली अब प्रोटीन है ये प्रोटीन ही कंडेंस होके क्या बनाता है क्रोमोजोम सी न्यूक्लियर कंपोजिशन में क्रोमोजोम वन पार्ट है ये कैसे बनेगा क्रोमेटीन जो कि प्रोटीन है वो धीरे धीरे कंडेंस होता है तो ये क्रोमोजोम बनाते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दो पॉइंट है न्यूक्लियोलस वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन क्लास एट ऑल्सो यहाँ पे न्यूक्लियर कंपोजिशन में क्रोमोजोम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि आगे चल के डी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो जो एक पार्ट से, से दूसरे पार्ट में मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करता है सी द फंक्शन ऑफ़ द न्यूक्लियस इट प्ले अम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट डिवाइड थ्रू आउट डिवाइड एंड पासिस दैरक्टरस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन सी यहाँ पर मैंशन किया हुआ है टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ है इन्वामेंटल एक्टिविटीज़ मतलब आप आस पास से जो भी कंसिडर करते हो या फिर रिएक्ट करते हो ये उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले एक रोल प्ले करता है यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो अभी मैंने डिस्कस किए थे सी मैं रिपीट कर रही हूँ उसे ये इन इंफॉर्मेशन को वेट ये इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है इनहेरिटेट कर रहा है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ठीक है और ये किस फॉर्म में इसे पास ऑन करेगा डीएनए के फॉर्म में डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का फुल फॉर्म क्लास एट में आपको बताया गया है डीएनए एन ए जो किसी भी ऑर्गेनिज में जो प्रेजेंट रहते हैं वो डीफर करते हैं ठीक है सबके डीएनए सब के, के सेगमेंट जो सबके जीन के कॉम्बी कॉम्बिनेशन जीनोम जिसे कहा जाता है वो सब डीफर डीफर करते हैं उसका एक पार्ट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है न्यूक्लियस का क्योंकि न्यूक्लियस जब फॉर्म होंगे तभी जाके ये डीएनए और जीन फॉर्म होता है और ये पास ऑन करता है कैरेक्टरिस्टिक को टू द नेक्स्ट टॉपिक साइटोप्लाज साइटोप्लाज न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियो कहते हैं और सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं इसे ध्यान में रखना है कि साइटोप्लाज सेल के अंदर और न्यूक्लियो न्यूक्लियस के अंदर सी न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट न्यूक्लियर न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लास साइटो प्लान्थ क्या है ये फ्लूड है एक टाइप का फ्लूड है जिसे जेली लाइक फ्लूड भी कहा जाता है जो, जो आपने ऑलरेडी भी पढ़ा भी है क्लास एट में ये क्या करता है बहुत टाइप के स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है वेट सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है और यही सेल ऑर्गेनल्स हमारे बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शन में हेल्प करते हैं हमें जैसे माइक्रोकॉन्डिया लाइसोजोम गोल्जी ऑपरेटर्स ये सब पड़े हुए थो Function, हो थोड़ा बहुत नॉलेज है आप लोग को फंक्शन साइटोप्लास क्या होगा ये एक्सचेंज मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है वाइटल केमिकल एक्टिविटीज़ में हमें हेल्प करेगा मेटाबॉलिक पाथवे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है कि बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है मेटाबॉलिक पाथवे इन दैट सेंस ग्लैकोलिस ग्लैकोमीन्स ग्लूकोज एनलिसिस मीनस ब्रेक डाउन ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है तो बॉडी में जब हम फूड लेते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में भी नहीं होता है तो उसे हम सिंपलेस्ट ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसे लास्टली ग्लूकोज के फॉर्म में ही कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद जब वो फॉर्म कन्वर्ट होता है तभी हमें एनर्जी मिलती है कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल वॉल एंड इट्स योर लास्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की ये लास्ट टॉपिक है सेल वॉल के बारे में जानते हो आप लोग स्टिल आई एम टेलिंग यू सेल बॉल क्या है एक रिजिट स्ट्रक्चर है रिजट स्ट्रक्चर इनसे टफ स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट रहेगा लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहेगा इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रजेंट रहने वाला है और ये किस चीज़ का फॉर्म होता है किस चीज़ का फॉर्मेशन है दैट इज सेलुलोज का सेलुलोज ये प्लांट के सेल वॉल को फॉर्म करता है और ये एक टफ स्ट्रक्चर बनाता है ये मेनली क्या चीज़ में हेल्प करेगा जैसे बहुत कॉम बहुत एडवर्स कंडीशन आ जाए जैसे बारिश हो रही है या टेम्परेचर बहुत राइज़ कर रहा है ये सब चीज़ में सेल बॉल काफ़ी हेल्प करता है जब क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हमें कुछ हार्म होता है तो हम उस प्लेस से इधर उधर जा सकते हैं बट प्लांट क्या है वो मूवमेंट नहीं करते हैं इस वजह से क्या होता है कि उन्हें एक जगह ही स्टैटिक रहना पड़ता है और स्टैटिक रहने की वजह से बहुत ज़रूरी कि उनके मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग हो ताकि वो किसी भी एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकें सी द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल ये प्रोसेस जो ऑस्मोसिस बताया गया था प्रीवियस टॉपिक में उसमें हेल्प करेगा क्योंकि ये एक टाइप का मेम्ब्रेन है तो ये मटेरियल्स के अलाव में हेल्प करने वाला है ये विथ स्टैंड करेगा एडवर्स कंडीशन जो अभी बताया गया आपको कि एडवर्स कंडीशन में सराउंडिंग के मीडियम में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है कि ये अपने आप को स्टैंड करे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मोलिसिस मैंने लिविंग प्लांट्स है लूज वाटर थ्रू ऑसमोसिस देर इज अ स्विंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट दैट मीन्स जब ऑसमोसिस प्रोसेस कोई भी सेल करेगा या तो सिंकेज हो या तो संकेज होगा या फिर वो अप करते हैं ठीक है बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सोसमोसिस के बारे में बताया गया है कि जब प्लांट वाटर को लूज़ कर रहे हैं तो वो दैट इज एक्सोसमोसिस जब कर रहे हैं तो वो श्रिंक कर जा रहे हैं श्रिंक कर जा रहे हैं यानी सिकुड़ जा रहे हैं ठीक है और कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं दैट मीन्स अगेन सिकुड़ जा रहे हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में वाटर क्या होता है ना बाहर की तरफ़ जाते हैं एक्सोसमोसिस होता है जिसे प्लाज्मोलिसिस किया कहा गया है प्लाज्मा दैट मीन्स जो भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसका लिसिस यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो बाहर की तरफ मूव करेंगे यहाँ पे इसका मीनिंग है कि आपका सेल रप्चर हो रहा है डाउन हो जा रहा है और धीरे धीरे वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है सी विथ योर रिविजन अभी हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया न्यूक्लियस जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा सेल के सारी एक्टिविटीज़ को साइटोप्लाज्म ये जो ग्रीनिश सब्सटेंस आप देख रहे हैं सेल के अंदर दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म और ये जो स्ट्रक्चर आप दे रहे हैं देख रहे हैं दो तीन स्ट्रक्चर का साइड साइड इसे कहा गया सेल वॉल सी सेल वॉल, ठीक है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप अपने यूडीटी टी ऐप ई फीडबैक से पूछ लीज पूछ सकते हैं और अपने नोट्स कैरी ऑन कीजिए और स्टडी करते रहिए सो कीप स्टडी एंड कीप हेल्दी थैंक यू